दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो पे। आज के वीडियो में मैं सैमसंग फ़ोन का कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप कुछ लोग कुछ फीचर्स के बारे में जानते भी होंगे मगर बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। और ये फीचर्स जो आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन है इसका पावर सेविंग्स मोड। ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को अगर आप डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हो, पावर सेविंग मोड। इस ऑप्शन के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे तो पावर सेविंग्स मोड ऑन हो जाएगा और आपके फ़ोन के कुछ लिमिटेड ऐप्स के अलावा सभी ऐप्स इनएक्टिव हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हो कुछ लिमिटेड ऐप्स ही आपको दिखा रहा है। नीचे जो प्लस का बटन है उसको आप प्रेस करके उस ऐप को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो जो ऐप आप पावर सेविंग्स मोड पर यूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से एक ऐप सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन मेरा ऐड हो गया है। फिर यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा ऐप ऐड करना चाहते हो, मतलब आप कोई ऐप को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर जो थ्री डॉट का ऑप्शन है उसको प्रेस कीजिए, फिर एडिट का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अब आप देखिए ऊपर जो चार ऐप है, फ़ोन, मैसेजेस, इंटरनेट और सेटिंग्स, ये आपका फिक्स्ड ऐप है। नीचे का चार ऐप्स आप चेंज कर सकते हो। नीचे यहाँ पर माइनस का बटन प्रेस करके आप किसी ऐप को रिमूव कर सकते हो और फिर से प्लस का बटन प्रेस करके आप दूसरा कोई ऐप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ोन का बैटरी का जो बैकअप है वो बहुत बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो या फिर बाहर कोई काम पे जाते हो। तो फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या फिर कुछ लिमिटेड ऐप्स के अलावा आप दूसरा ऐप यहां पर यूज़ नहीं कर सकते। और यहां पर आप देखिए 2 डेज 19 आवर्स रिमेनिंग दिखा रहा है और नीचे मेरा बैटरी का परसेंटेज देखिए 79% दिखा रहा है, मगर एक्चुअली 2 डेज 19 आवर्स से ये बहुत बहुत ज़्यादा बैकअप देता है। आपको 4 से 5 दिन का बैकअप ये आराम से दे देगा अगर आप अपने फ़ोन को फ़ोन या मैसेजेस के लिए यूज़ करते हो तो। ये पावर सेविंग्स मोड स्पेशली आपको तब ज़रूरत पड़ता है जब आप ट्रैवल करते हो या फिर बाहर कहीं पर आप काम पे जाते हो और आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए हो तो। और पावर सेविंग्स मोड को ऑफ़ करने के लिए आपको फिर से नोटिफिकेशन बार को नीचे ला के पावर सेविंग्स मोड को ऑफ कर देना है। आपके फोन के पावर सेविंग्स मोड अगर मैक्सिमम पावर सेविंग्स मोड पे काम नहीं कर रहा है तो आप फोन के सेटिंग पे चले जाइए, फिर नीचे आ जाइए, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाइए और बैटरी ऑप्शन को चूज कर लीजिए, फिर नीचे आके पावर सेविंग मोड के ऊपर प्रेस कीजिए। और यहां पर जो नीचे तीन ऑप्शन है ये अगर आपके फ़ोन पे ऑफ रहता है तो इस ऑप्शंस को आप ऑन कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी मैं सेटिंग्स को चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर का जो पावर सेविंग बैटरी लाइफ का टाइमिंग है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो जब भी आप पावर सेविंग मोड को ऑन करेंगे तो आपका पावर सेविंग मोड मैक्सिमम पावर सेविंग मोड पर रन करेगा। नंबर टू फीचर से फ्लैश नोटिफिकेशन। उसके लिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग पर जाइए और नीचे जाके एक्सेसिबिलिटी पर जाइए, फिर एडवांस सेटिंग्स पर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। तो कैमरा नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हो तो देखिए यहाँ पर पीछे का जो फ्लैश है कैमरा का वो ब्लिंक हो रहा है, और अगर आप स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन करते हो तो आपका स्क्रीन ऐसे फ्लैश करने लगेगा अगर आपके पास कोई मैसेजेस आए या फिर नोटिफिकेशन आए तो। नेक्स्ट ऑप्शन है फिंगरप्रिंट जेस्चर्स। उसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाना है, फिर से फिर एडवांस फीचर्स पे जाना है और मोशन एंड जेस्चर्स पे प्रेस करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिंगर सेंसर जेस्चर्स। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो अगर आपका फ़ोन का साइज़ बड़ा है और आपका फिंगर नोटिफिकेशन पैनल तक नहीं पहुंचता है तो इस ऑप्शन के मदद से आप देखिए आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करके नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकते हो। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर पे उंगली नीचे लाने से आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ रहा है और ऊपर की तरफ करने से वो ऊपर चला जाता है नोटिफिकेशन पैनल। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फीचर्स। और भी एक सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाने के लिए, तो उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर पे अगर आप अपने फिंगर को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो मेनू ओपन हो जाता है, नोटिफिकेशन पैनल नीचे नहीं आता है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है और फिर उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे जाना है और नीचे आप एक ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑप्शन आपको दिखेगा तो ये ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। तो अब हम हमारा फिंगर को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो
नोटिफिकेशन पहले नीचे आ रहा है। स्क्रीन पे कहीं पे भी अगर आप अपने फिंगर को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फीचर से अगर आपका फोन का स्क्रीन का साइज बड़ा हो तो। नंबर 4 फीचर से एंड्रॉयड ऑटो, तो उसके लिए फिर से आपको सेटिंग्स पे जाना है और फिर आपको जाना है एडवांस फीचर्स पे, और एडवांस फीचर्स पे आपको एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन मिलेगा। तो ये एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन अगर आपका फ़ोन पे अपडेट नहीं है तो प्लीज़ आप इसको अपडेट कर लीजिए, और आपको कैसे ये यूज़ करना है मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। एंड्रॉयड ऑटो के अंदर जो फीचर्स है वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से, तो आपको समझने में आसानी होगा। ये स्पेशली आप अपने कार पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके रूम पे जब आपका फ़ोन रहता है तो आप अपने फ़ोन को टच किए बिना ही कुछ फीचर्स यूज़ कर सकते हो अपने वॉइस कमांड से। देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोन रख दिया और मेरे हाथ पे ये फ़ोन नहीं है और मैं इसको वॉइस कमांड दे रहा हूँ। हे गूगल, सेट एन अलार्म। ऑलराइट, व्हेन्स द अलार्म फॉर? टुमारो एट 7:30 AM। टुमारो एट 7:30 AM सेट। हे गूगल, open the That's map me. How can I help? Open the map. Opening maps. तो आपने देखा कैसे आप एंड्रॉयड ऑटो का यूज़ कर सकते हो। इससे आप अपने फ़ोन कॉल्स कर सकते हो, अपने मैप को ओपन कर सकते हो, फिर अलार्म सेट कर सकते हो, या फिर अपने कैमरा को भी ओपन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम आप अपने फ़ोन को टच किए बिना ही कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये फीचर्स आपको कैसा लगा। नंबर 5 है स्क्रीन पिन, उसके लिए फिर से आपको सेटिंग पर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ से बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी पर जाना है, और नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, उसके ऊपर आपको प्रेस करना है और नीचे जो पिन विंडोज़ का ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। उसके बाद और एक ऑप्शन को आपको ऑन करना है, जहां पर पिन विंडोज़ लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहां पर आस्क फॉर पैटर्न बिफोर अनपिनिंग का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी को आपका क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है कुछ देर के लिए और आप चाहते हैं वो आपके फ़ोन का कोई दूसरा ऐप यूज़ ना कर सके, तो आप सिंपली अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और नीचे लेफ्ट साइड पे जो रिसेंट ओपन्ड ऐप्स का ऑप्शन रहता है उसके ऊपर प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर आप क्रोम लोगो के ऊपर टैप कीजिए और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है पिन दिस ऐप, तो हम इस ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा ऐप पिन हो गया है, और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कैसे आप आपका रिसेंट ऐप का जो बटन है और बैक का जो बटन है इस दोनों को एक साथ प्रेस करके अपने पिंट ऐप को अनपिन कर सकते हो। यही ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वही यहाँ पर काम कर रहा है। और अगर आपको इसको अनपिन करना हो तो आप देख सकते हो यहाँ से आप नीचे दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके आप अनपिन कर सकते हो, और इस दोनों बटन को प्रेस करने के बाद आपके फ़ोन का जो पिन है या फिर पैटर्न जो भी है वो लॉक पैटर्न आपको यहाँ से पूछेगा, वो पैटर्न या फिर पिन देने के बाद ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा और आप दूसरे ऐप्स को यूज़ कर सकेंगे। और ये जो फीचर्स है ये सैमसंग के अलावा दूसरे फ़ोन्स पे भी काम करता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। नंबर 6 है कर्सर मूव। आप जब भी अपने फ़ोन से SMS करते हो या फिर WhatsApp पे कुछ टाइप करते हो और आपका कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो उस पर्टिकुलर मिस्टेक हुआ पार्ट पे जब आप अपने कर्सर को मूव करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने मैसेज ऐप पे कुछ टाइप किया है और मुझे यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करना है, तो आपको अपनी उंगली से उस कर्सर को मूव करना पड़ता है और कभी कभी ठीक जगह पर वो प्रेस नहीं हो पाता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन के कीबोर्ड का जो स्पेस बार है जिससे आप स्पेस देते हो उसके ऊपर टच करके आप मूव कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पर अपना फिंगर मूव कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट, तो यहाँ पर वो कर्सर भी मूव हो रहा है। तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग और काम का फीचर्स। नंबर 7 है AR जोन, जिसको आप अपने कैमरे को ओपन करके मोर पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं AR जोन है, तो यहाँ से आप अपना कोई भी मैनुअल अपने फेस का इमोजी क्रिएट कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इमोजीज क्रिएट किया है अपने फ़ोटो लेकर जो मेरा फेस का सिमिलर है यहाँ पर, और जिसको आप अपने WhatsApp या किसी दूसरे सोशल ऐप पे यूज़ कर सकते हो। उस ऐप के मदद से आप अपने पिक्चर्स लेके ऐसे इमोजीज क्रिएट कर सकते हो और किसी को अपने ही फेस का इमोजी क्रिएट करके सॉरी हाय थैंक्स ऐसे इमोजीज आप भेज सकते हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। नंबर 8 है सेंसर्स ऑफ,
इसके लिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे फिर से जाइए और एकदम लास्ट पे डेवलपर ऑप्शंस पे जाइए, और ये डेवलपर ऑप्शंस आपके फ़ोन पे अगर दिखा नहीं रहा है तो आप सिंपली अबाउट फ़ोन पे जाइए, उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाइए और यहाँ पर जो बिल्ड नंबर लिखा है इसके ऊपर 7 बार प्रेस कीजिए, मतलब 7 बार टैप कीजिए तो आपका डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएगा। तो आप डेवलपर ऑप्शंस पे चले जाइए और थोड़ा नीचे आते ही आपको दिखाई देगा क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स, इसके ऊपर प्रेस कीजिए। फिर नीचे जो सेंसर्स ऑफ का बटन है इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही आप ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पे देख सकते हो एक सेंसर का ऑप्शन आपको दिखा रहा है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन का जो भी सेंसर्स है, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर या फिर आपके फ़ोन का माइक्रोफोन, कैमरा, जो भी ऑप्शन है सभी सेंसर्स यहां से ऑफ हो जाएंगे, तो आपका फ़ोन यहां पर कोई भी सेंसर्स पे काम नहीं करेगा। नंबर 9 है फास्ट चार्जिंग ऑन ऑफ। सैमसंग ने नए फोन्स पे ये एक बढ़िया फीचर दिया है। जो फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है उस फ़ोन पे आप सेटिंग्स पे जाइए और बैटरी एंड डिवाइस केयर को यहाँ से चूज कर लीजिए और फिर बैटरी के ऑप्शन पे जाइए और नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है मोर बैटरी सेटिंग्स, इसके ऊपर टैप करते ही आपको दिखेगा फास्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर आप रात को सोते टाइम फोन को चार्ज करते हो तो सिंपली आप इस फास्ट चार्जिंग को ऑफ कर दीजिए और आराम से अपने फोन को चार्ज पे लगा दीजिए तो ये फ़ोन आपका स्लोली चार्ज होता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका बैटरी का जो लॉन्जिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। नंबर 10 है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाके नोटिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, फिर आपको नीचे एडवांस सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस लिखा है, इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑफ, बबल्स और स्मार्ट पॉपअप व्यू। अगर आप बबल करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखा रहा है, ऐसे बबल टाइप पे आपका जो भी मैसेजेस या नोटिफिकेशन आएगा ऐसे दिखाएगा जब भी आप उसको ओपन करेंगे। और अगर आप स्मार्ट पॉपअप व्यू करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन या मैसेजेस आएगा वो आपको जब भी आप उसके ऊपर टैप करेंगे तो ऐसे पॉपअप व्यू में वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए पूरा ऐप को आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा, एक छोटा विंडो पे वो ओपन होकर आपको दिखा देगा। जैसे आपका मान लीजिए कोई OTP आता है तो आप वहां से ही उसको देख सकते हो। नंबर 11 है नोटिफिकेशन लाइट्स। तो उसके लिए आपको अगेन सेम नोटिफिकेशंस पे जाना है सेटिंग पे जाके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स लिखा है, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा एज लाइटिंग स्टाइल, इसके ऊपर टैप कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा जो नोटिफिकेशंस आते ही आपको ऐसे लाइट दिखा देगा। आपका जो फ्रंट कैमरा है उसके आसपास ये नोटिफिकेशंस लाइट आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशंस आते ही कैसे नोटिफिकेशंस लाइट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ऊपर आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं फायरवॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए नोटिफिकेशंस आते ही ऐसा लाइट्स आपको दिखाई देगा। तो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स ये। और उस नोटिफिकेशंस का जो लाइट है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे नोटिफिकेशंस आता है तो ऐसे कलर आपका चेंज हो जाता है। और भी ऑप्शंस आप देख लीजिए यहाँ से। फिर एडवांस सेटिंग पे जाके आप ट्रांसपेरेंसी को लो या हाई कर सकते हो, या फिर जो लाइटिंग का ड्यूरेशन है उसको आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर लॉन्ग कर सकते हो। फिर नंबर 12 जो फीचर्स है वो है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। देखिए होम स्क्रीन पे जो भी ऐप हमारा है यहाँ पर हम कभी कभी टच करने से क्या होता है, हमारा जो ऐप होता है यहाँ वहाँ मूव हो जाता है, या फिर हमारे घर पे अगर बच्चे हो तो वो ऐप को इधर उधर मूव कर देता है। तो इसको आप लॉक कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाना है और आप यहाँ पर होम स्क्रीन पे टैप कीजिए और देखिए यहाँ पर लिखा है लॉक होम स्क्रीन लेआउट, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। अभी आप देख सकते हो हमारा जो ऐप है होम स्क्रीन पे वो वहीं पर है। आप अगर इसको मूव करने की कोशिश भी करेंगे तो आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉक्ड है। आप जब भी इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए नीचे यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा कि इसका पोजीशन लॉक्ड है। और नंबर 13 है न्यू एप्स टू होम स्क्रीन। जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो आपका एक शॉर्टकट होम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो ऑफ करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे ही फिर से जाना है और होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाके आपको ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन, इसको आपको क्या करना है ऑफ करके रखना है। अगर आप इसको ऑफ करके रखेंगे तो जब भी प्ले स्टोर से आप कोई भी नया ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपके मेनू पे ही रहेगा, आपके होम स्क्रीन पे वो नहीं आएगा, उसका शॉर्टकट क्रिएट नहीं होगा।
तो यही था सैमसंग्स का कुछ स्पेशल और यूनिक फीचर्स जो मैं जानता हूँ। अगर आप भी कोई और नया ऑप्शंस जानते हो या फीचर्स जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी वो जानकारी मिल जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।